सो आज इस वीडियो में हम हेडर सेक्शन का दूसरा पार्ट बनाएंगे, जैसे आप स्क्रीन में देख लेंगे दूसरा पार्ट है। सो चलते हैं अपने कोड एडिटर में और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं कोड एडिटर में आ चुका हूँ और इसको मैं बड़ा कर लूँगा, ठीक है। और हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर कमेंट लिख देंगे हमारा हेडर सेक्शन के अंदर, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ नैव बार, ठीक है, और इसको कमेंट कर देंगे। फिर यहाँ पर इसको हम लास्ट में आएंगे और यहाँ से शुरू करेंगे आज सेकेंड नैव बार पार्ट स्टार्ट, ठीक है, और इसको भी कमेंट कर देंगे। देन उसके बाद अब हम अपने स्क्रीन को स्प्लिट कर लेंगे और इसको भी स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। सो इससे हम ऐसे करके देख सकते हैं। देन अपने कोड एडिटर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देन यहाँ से शुरू करेंगे, सो ठीक है। सो यहाँ पर और डॉट, ठीक है, डॉट नैव, एक और नैव दूंगा और उसके अंदर एक क्लास दे दूंगा, क्लास सेकेंड नैव, ठीक है। और उसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे एल आई और ए और इसमें हैशटैग रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ऑल और इसी को कॉपी पेस्ट करते जाता हूँ अमेज़न, ठीक है, और वेस्ट सेलर। सो इसको मैं स्पीड में कर लेता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है और इसमें हम आइकॉन लाएंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए हमारा एक आइकॉन है यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो हम चलेंगे अपने फॉन्ट ऑसम वेबसाइट में। फॉन्ट ऑसम वेबसाइट में हम इसका लिंक पिछले वाले वीडियो में कैसे इसको कनेक्ट करते हुए देख लिए थे। सो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा, यहाँ पर सर्च, ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर इसको हम कॉपी करेंगे। सो यहाँ पर इससे यहाँ से कॉपी करेंगे और ऑल में इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड हमारा जो सेकेंड में था और ये वाला, सो ये वाला मैं नॉर्मल गूगल पर सर्च करूँगा, गूगल, सॉरी, मैं यहाँ पर अमेज़न आइकन। सो यहाँ पर मुझे ये मिल चुका है और इसका हम लिंक कॉपी करेंगे, यहाँ पर है ये, सिर्फ मुझे लेना है और इसका हम लिंक कॉपी करेंगे। सो कॉपी इमेज लिंक, ठीक है, और यहाँ पर img.logo2nav, ठीक है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और उसके बाद अपने ब्राउज़र पर देख लेंगे। अभी इस तरह पर दिख रहा है, इफ़ मुझे एग्जैक्टली मिल जाए बैकग्राउंड, सो इसका ये रहने देता हूँ। उसके बाद वापस से चलेंगे अपने ब्राउज़र पर और इसका डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूँगा, सो इसमें से मैं इंस्पेक्ट करके इसका बैकग्राउंड कलर ले लूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर जाएंगे और इसको यहाँ से हम ये उठाएंगे और यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर ले लेंगे, ठीक है। सो यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। सो कॉपी कर लिया, अब चलते हैं अपनी CSS फाइल में और यहाँ से मुझे इसका नैव बार फर्स्ट और सेकेंड नैव, ठीक है, देन कंट्रोल सी और यहाँ पर लास्ट में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड नैव बार स्टाइल स्टार्ट, ठीक है, और इसके नीचे डॉट कंट्रोल भी, इसमें बैकग्राउंड कलर जो हमने अभी कॉपी किया था वो पेस्ट करेंगे। सो ये आ चुका है और देन इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, और मैंने यहाँ पर एक चीज़ तो छोड़ दिया है, इसमें UL लगाना मैं भूल गया था, सो इसे यहाँ से लगा देता हूँ कंट्रोल भी, ठीक है। देन उसके बाद मुझे यहाँ पर इसको बैकग्राउंड देन देता हूँ और इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसमें UL और इसको, सॉरी, UR नॉट, मुझे UL देना है, थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ। देन यहाँ से इसको हटाएंगे। देन यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स लिस्ट स्टाइल नॉन, ठीक है, ये हो चुका है। देन सबसे पहले मैं इस इमेज को छोटा करूँगा, ठीक है, सो इसको ही कॉपी करूँगा और यहाँ पर एल आई के अंदर हमने जो इमेज को क्लास दिया हुआ था ऑल्टेड, सो इमेज को क्लास यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ पर डॉट कंट्रोल भी, देन इसका
विथ 100 पिक्सल, ठीक है, और थोड़ा और छोटा करूँगा इसका 50 पिक्सल, और हाइट भी इसका 50 पिक्सल, ठीक है, ये आ चुका है, देख लेते हैं, इसका ठीक हो चुका है ये। अब इसको इसको हम बड़ा करके देखेंगे, सो ये इसका नीचे आ रहा है। देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम विद सेंटर बेस लाइन और सेंटर, ठीक है, तो सब सेंटर में आ चुका है, और मैं इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हटा दूंगा, देन ये ठीक हो जाए, फिर भी ये नीचे आ रहा है। देन हम इसको लास्ट में देखेंगे, और सबसे पहले इन सबका कलर में वाइट कर दूंगा, देख लेते हैं कौन सा है वाइट कलर, ठीक है, सो इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, और यहाँ पर इसको लोगो हटाकर ए रख दूंगा, और यहाँ पर इसका कलर #FFF, ठीक है, वाइट हो चुका है। उसके बाद इसमें मार्जिन टॉप एंड बॉटम से 0 एंड लेफ्ट एंड बॉटम से 10 पिक्सल, ठीक है, और यहाँ पर जो हमने बॉर्डर, यहाँ पर सब में हमारा ये बॉर्डर आ रहा है, उसी टाइप का हम इसको बॉर्डर भी देंगे, सो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। अब चलाइए, देन क्लास बॉर्डर बॉक्स कंट्रोल जेड बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, सब देखेंगे, सो ठीक है, ये हमारा काम कर रहा है, बट हम इसको बॉर्डर 2 कर दूंगा, ठीक है, एंड इसको कंट्रोल सी, और यहाँ पर डॉट कंट्रोल भी, और इसका पैडिंग टॉप एंड बॉटम से 12 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट से 5 पिक्सल, सो ये काम निकल रहा है बॉर्डर 2, सो मुझे इसको इसके अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, देन इसको यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल एक्स, इसको हटाएंगे कंट्रोल, यहाँ पर ए के अंदर देन, देन कंट्रोल वी, देन इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, और ये दोनों को यहाँ से हटा देंगे, सो अभी तक नहीं है बॉर्डर 2 एल आई, और ये एल आई है हमारा, सो इसको हटाता हूँ, सो अभी तक नहीं आया सेकेंड नेम यू एल के अंदर जो एल आई है, इसका क्लास बॉर्डर 2 कंट्रोल सी एंड यहाँ पर कंट्रोल बी, सो ये पर आना चाहिए, यहाँ पर ऐड किया हुआ है तो ये तो आना ही चाहिए, और मैंने यहाँ पर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और वाइट करना बाकी रह गया था, तो देख रहे हैं अभी इस टाइप का आ रहा है, और इसको बड़ा करके देखता हूँ, ठीक है, अभी इस टाइप का आ रहा है, देन हमें यही तो चाहिए था, और इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे ओवर, ठीक है, देन ये यहाँ से इफ इसका 1 पिक्सल, ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये होवर करने के बाद ये पैडिंग भी ले रहा है, ठीक है, सो इस पैडिंग को मैं यहाँ से हटाऊंगा कंट्रोल एक्स, और मैं इस पैडिंग को कंट्रोल टी, और स्पेसिस ये होवर पार्ट हटाऊंगा कंट्रोल जेड, मैं ऊपर से हटा था, मैं पैडिंग इसमें दूंगा, और ये होवर में हटा दूंगा, ठीक है, सब सही आ रहा है, देन और इसमें पैडिंग भी ऐड हो चुका है, बट ये पूरा नहीं ले रहा है, सो ठीक है, इसको हम फिक्स करेंगे, देन ये हो चुका है, अब सो अब हम इसका पहले इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा, ठीक है, एंड सब चीज सही है, कस्टम सर्विस टुडे डील मोबाइल कस्टमर सर्विस एंड टुडे डील, और ये 2-3 बाकी रह चुका है, और इसको मैं जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लूँगा, सो इसको हम बीच में लाएंगे, ठीक है, और इसका साइज
थोड़ा सा बैक कर लेंगे। सो मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करूँगा। ये हो चुका है, दो तीन मुझसे छूट गया था, उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसके बाद फिर से अपने स्टाइल और सीएसएस स्टाइल चलेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। और इसमें मैं अपने मैं आ जाता हूँ, पहले यहाँ पे चेक कर लूँगा सब चीज़ सही है। देन एल आई के अंदर कहाँ गया एल आई, तो मैंने यहाँ पर दिया ही नहीं, इसको हम यहाँ पर इसको हटाएंगे और एल आई के अंदर इसको डिस्प्ले डिस सॉरी एफ क्यू आ रहा है और मैं डिस्प्ले प्लस जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम विद सेंटर, ठीक है। बट सो मुझे लाइन में डिस्प्ले फिक्स करने के लिए कुछ नहीं है, सो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, इसको बराबर लाना है। सो मैं यहाँ पर जिसमें हमारा ये लोगो है उसके अंदर क्लास रख दूंगा। सो मैं यहाँ पर एंकर टैग क्लास क्लास आर एम लोगो, ठीक है। कंट्रोल सी और फिर से चलेंगे अपने सीएसएस फाइल में, देन इसको कॉपी करूँगा कंट्रोल डी और यहाँ से इसको डॉट कंट्रोल वी। अब इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सॉरी व्हाट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कंट्रोल जेड सेंटर लाइन आइटम सेंटर, बट ये लाइन में नहीं आ रहा है। इफ मैं इसको एम ये तो सही है, एक बार मैं इसको चेक करूंगा। बैकग्राउंड कलर रेड वाटर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, सो ये टारगेट क्यों नहीं हो रहा है। एक कैमरा है ओ यार, को मैंने सेव करना बाकी रह गया था। सो हमारा सेंटर में आ चुका है वो, सो मैं सेव करना मैं भूल गया था इसलिए करा था प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ठीक है। देन इसको हम क्विक फिक्स करेंगे हमारी डीटीएच विद विद कंटेंट। सो इसमें 200 पिक्सल छोटा हो चुका है, इसको बड़ा करेंगे 300 पिक्सल, तो 340 पिक्सल 50 60 से हमारा सेंटर हो चुका है। उसके बाद इन सबको थोड़ा सा बोल्ड करूँगा, ठीक है। देन एक यहाँ पर एक फॉन्ट वेट 600, ठीक है। देन यहाँ पर इन सबका मार्जिन इफ कम करूँ थोड़ा सा 5, ठीक है। बट इसमें मैं काम करता हूँ, इस बॉर्डर को रहने देता हूँ अभी तक। बॉर्डर पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। देन यहाँ पर ये खाली क्यों हो गया, अब यहाँ से अगर मार्जिन 0 कर दूँ, देन इसका मार्जिन 0 यहाँ पर स्पेस ले रहा है, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, ठीक है। देन ये पूरा वहाँ पर क्यों जा रही है, इफ मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर अभी चलाई की कुछ नहीं है, इसको हटाता हूँ। और हाइट वेट पिक्सल का जस्टिफाई कंट्रोल मैंने यहाँ से हटाया हुआ था इसको रखने पर, ठीक आ रहा है। और मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर जो होवर था नीचे यहाँ से इसको मैं एल आई पर रख लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर कॉलर अब ये सब में काम करेगा, ठीक है। और ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इफ कहाँ गया ये हमारा आई एन लोगो ये, ठीक है। सो 3 से 7 260 मैं इसका वीडियो हटाता हूँ, ठीक है। और इसका बॉर्डर भी हटाऊंगा, देन अब देखेंगे ये सब सही है। यहाँ से शुरू हो रहा है और इसका फोन साइज थोड़ा सा छोटा है और इसका बड़ा है, ठीक है। देन यहाँ पर फोन साइज इसका
देखेंगे इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है और इन सब का साइज ठीक है। देन वापस से चलेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ये बड़ा हो जा रहा है। सो मैं यहाँ पर जो पैडिंग मैंने दिया हुआ था होवर में उसको अगर 5 पिक्सल देने दो और चेक करूँ। सो काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर पैडिंग दिया हुआ है तो थोड़ा सा और छोटा कर दूंगा। मैंने इसका फिट हाइट कहाँ पर दिया हुआ है, लोग यहाँ पर ठीक है 40 और 40 कर दूंगा। देन उसके बाद इसमें थोड़ा सा पैडिंग देंगे, पैडिंग टॉप एंड बॉटम 10 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट ठीक है। देन यहाँ पर ठीक है सब चीज़ अभी लेफ्ट एंड राइट से मैं यहाँ पर 5 पिक्सल कर दूंगा एंड टॉप एंड बॉटम से 8 पिक्सल। अब ठीक है देन नीचे आएंगे और इसका फॉन्ट वेट 500 कर देंगे और 600 साइज का। सो ये करके आए मैं जो छोड़ दे रहा है और यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज को भी बड़ा कर दूंगा। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने इसको आई एम लोगो दिया हुआ था। देन आई एम लोगो यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज 1.2 रैम, सो रैम 1.1 करके देता हूँ ओनली 1। सो सही है बट इसमें से ये सेम है, इसमें अगर पैडिंग ना देखकर हाइट 100% इसका हाइट पूरा नहीं हिसाब से हाइट ले रहा है बट यहाँ पर एक करूँगा मैं यहाँ पर आऊँगा एलआई पर और मैंने यहाँ पर एलआई हटा दिया था इसको एलआई लाएंगे यहाँ पर ul.li और यहाँ पर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड लेयर ठीक है ये आ चुका है। इफ यहाँ पर पैड टॉप एंड बॉटम से 10 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट से 3 पिक्सल सो ये इस तरह का है ठीक है। और इफ अगर मैं यहाँ पर इसका 50 पिक्सल हाइट 50 पिक्सल सेट कर दूँ तो ठीक दिख रहा है ठीक है, सेट कर दूँ तो ठीक दिख रहा है ठीक है। तो इसको थोड़ा सा 30 पिक्सल सही है बट मैंने यहाँ पर पैडिंग दिया हुआ है सो मैं यहाँ से इसको पैडिंग हटाऊंगा। अब ठीक है इफ इसका मैंने हाइट सेट कर दिया, इफ इसका मैंने हाइट सेट कर दिया इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। सो इसमें मैं डिस्प्ले इसको सेव करता हूँ पहले और डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर इसमें अगर कर दूँ
ये हमारा पूरा सेंटर में आ चुका है और यहाँ पर मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम सो ये नीचे आ चुका है सब ये मेरा सही हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ से हाइट तो ठीक हो चुका है, हाइट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। उसके बाद देन मुझे UL में तो कुछ नहीं करना है और यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर मार्जिन गया था इसमें इसको मैं हटाऊँ। सो ये सही हो चुका है। देन यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन कम करूँगा 4, 5, 6 ठीक है 5.5 करके देखता हूँ। सो ये हमारा सही हो चुका है। देन अब हम यहाँ से इसका बॉर्डर रेड हटाएंगे। सो ये हमारा परफेक्ट हो चुका है। सो देख रहे हैं हमारा बॉर्डर ठीक है और इसमें इसका हाइट थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूंगा 5। सो एक बार हम पुराने वेबसाइट में जाके देखेंगे। सो ये हमारा सही चुका है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्पेस है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रख दूँ इसके तो ये हमारा मिल जाएगा। देन यहाँ पर आकर हम कहाँ जाएंगे IM लोगो इफ यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट 5 पिक्सल और कर दूँ ठीक है। देन 5 पिक्सल 10 करके देखता हूँ 10 पिक्सल देन आप सही है। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको और ये थोड़ा सा इधर आ जाता तो ठीक रहता। देन इसमें तो स्पेस है तो मार्जिन देने पर यहाँ कहाँ गया इसका पैडिंग मार्जिन ए यहाँ पर ठीक है। सो इसको 6 करने पर ठीक है और इफ यहाँ पर 7 कर दो। सो ये हमारा हो चुका है। सो देख रहे हैं ये हमारा सेम टू सेम बन चुका है, थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका इसमें सो डिफरेंट क्या दिख रहा है ठीक है। इसका मैं हाइट भी थोड़ा सा कंट्रोल कर रही है, अमेजोन नहीं देखना चाहिए। देन इफ यहाँ पर आऊँ 14 किया हुआ था इसको 35 करके देखूँ। सो कंट्रोल जेड इसको ले देता हूँ। देन ये हमारा सेकेंड हेडर सेकेंड नेम बार हमारा कंप्लीट हो चुका है ठीक है। सो इसको मैं मिनिमाइज करूँगा। सो आप देख रहे हैं ये हमारा आज का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट अब इसमें हम अगले वाले वीडियो में इसका ये डिजाइन बनाएंगे ठीक है फर्स्ट और इसमें ये सेकेंड और ये हो चुका है। सो हम अगले वाले वीडियो में जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।